वाराणसी में भाजपा नेत्री यशा मौर्य ने 80 घाट पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने इसके लिए काफ़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुईं, जिसमें खास करके मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नम्रता चौरसिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आज 80 घाट पर बहुत सारी हमारी मुस्लिम महिलाएँ भी एकत्रित हुई हैं। इन सभी महिलाओं में नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी स्नेह व सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी किसी भी जाति धर्म को नहीं बांटा, सभी जाति धर्म को एक समान माना है और जितना विकास आज नरेंद्र मोदी ने किया है आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया और ना ही कोई कर पाएगा। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। जी मैम, परिचय बताइए। मैं नम्रता चौरसिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष, काशी क्षेत्र महिला वार्ड। आज यहाँ किस तरीके का आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं? आज हम लोग 80 घाट पे एकत्रित हुए, आप देख रहे हैं युवा भी एकत्रित हैं, युवा लड़कियाँ साथ में अपनी अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज की बहनें भी यहाँ एकत्रित हैं और एकत्रीकरण करके सभी का आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी के प्रति कितना स्नेह है। चाहे कभी उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कभी प्रधानमंत्री जी ने भी कभी जाति मजहब में नहीं बांटा, कितनी भी योजनाएं लागू की सभी हर वर्ग को पहुंचाने का प्रयास किया और कर भी रहे हैं, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे राशन कार्ड के माध्यम से अन्य योजना हो, चाहे हर घर नल योजना हो, स्वच्छता की बात हो, चाहे आपका उज्ज्वला योजना हो, जितनी भी बुनकर समाज के लिए, बुनकर महिलाओं के लिए भी बुनकर कार्ड बनते हैं जिनके माध्यम से उनको सहयोग मिलता है। आयुष्मान में भी आपको देखिए कोई बिना भेदभाव के एक कार्ड पे 6 लोगों का उस पे अप्रूवल रहता है। तो निरंतर ऐसी योजनाओं को बिना भेदभाव, बिना जाति धर्म में बांटते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्व समाज के लिए काम किया और निरंतर काम करते आ रहे। और विशेष काशी और नारी शक्ति की बात करें तो सन 2014 से अब तक देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम प्रधानमंत्री जी ने किया तो नारी सशक्तिकरण में किया, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे स्वावलंबन हो, चाहे स्वरोजगार, चाहे आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, तो प्रत्येक चीजों को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति को समर्पित किया। नारी शक्ति वंदन ऐतिहासिक बिल पास किया। पास करते ही जब प्रधानमंत्री जी काशी आए तो बहनों ने भव्यता से उनका स्वागत किया। ऐसा नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं ने किया, प्रत्येक महिला जो काशी की प्रत्येक महिला थी उन लोगों ने खुले दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। अभी 21 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः काशी आ रहे हैं, महिलाओं को सशक्त, फिर उन हमेशा प्रधानमंत्री जी कुछ नया लेके काशी आते हैं, तो हमेशा नारियों को सशक्त करने के लिए, नारियों के सम्मान में नारियों का आभार व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी पुनः 21 को आ रहे हैं, बहनों को संबोधित करेंगे और बहनों से संवाद करेंगे। एक बड़ी संख्या में बहनों का एकत्रीकरण है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं से यह इच्छा जाहिर की, तो हम सब बहनें बहुत उत्सुक हैं। एक एक बहनें एक बड़ी संख्या लेके, वो भी कोई जाति भेदभाव से छोड़ते हुए प्रत्येक काशी की नारी आपको उस कार्यक्रम में दिखेगी। मैम, मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है, तमाम लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित भी लोग कर रहे हैं जी। ऐसे सवाल आ रहा है मैम कि विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो सरकार है वो चुनाव में हेरफेर भी कर सकती है, ईवीएम वगैरह से छेड़छाड़ भी। मेरा नाम यशा मौर्य है। आज जो है 80 घाट पर आप लोग उपस्थित हुए जी, क्या कारण था? हम लोग 80 घाट पर उपस्थित हुए हैं, ऐसे तो हम लोग हमेशा ही 80 घाट पर आते क्योंकि यहाँ की भव्यता इतनी अच्छी है कि अपने आप पीछे चले आते हैं हम लोग। जब से माननीय मोदी जी ने 80 से बनारस के घाटों का सुंदरीकरण और विकास शुरू किया है तब से तो हमारा आना जाना यहाँ लगा ही रहता है। और वैसे हम लोग इकट्ठा हुए हैं थोड़ा मोदी जी के ही विचारों को लेकर के और बनारस में क्या स्थिति है चुनाव को लेकर के इसकी चर्चा करने के लिए। अच्छा मैम, क्या लगता है आपको जो हिसाब से मोदी जी का रुझान आ रहा है लोगों में और विपक्ष ये कह रहा है कि पहले दूसरे तीसरे जो चुनाव चरण के चुनाव थे उससे उनका मनोबल बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको ये बातों में सच्चाई है? आपको 4 जून को पता चल जाएगा, इसमें मोदी कहने की जरूरत नहीं है कि विपक्ष तो अपने एक होता है ना कि बोलना, अपने आप को खुद तसल्ली देना,
जानते हुए रिजल्ट तो सबको पता है कि क्या होने वाला है, वाराणसी से अब की बार 10 लाख पार। तो उषा मैम, अभी आप जो यंगस्टर जो वोट करने जाएंगे उनके लिए शॉर्ट मैसेज की किन सिद्धांतों पर वोट करें? वो इन सिद्धांतों पर वोट करें कि सबसे पहले तो मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो कार्य किया है, महिलाओं को जो वो फ्रंट लाइन पर लेकर के आए हैं, जो कि वो हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है, फिर भी उसके बाद भी महिलाओं को जो सशक्त करने का कारण मोदी जी ने किया, आज राशन कार्ड पे महिलाओं का नाम है, आज आवास योजना जो मिल रही है महिलाओं को मिल रही है, आज जनधन खाता जो खुल रहा है महिलाओं का खुल रहा है, आज जो बेटियों को फ्री में जो शादी करने के लिए सुकन्या योजना के द्वारा पैसा मिल रहा है, वो जो केंद्र रख करके महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने काम किया है और किसी भी सरकार ने काम नहीं किया है। तो इन चीजों को देखते हुए हमारी महिलाएं, चाहे वो हिंदू वर्ग की महिलाएं हो, चाहे वो मेरे साथ खड़ी मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हो, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सबके दिल में मोदी जी राज करते हैं और इन्हीं विषयों को देख करके, विकास को देख करके हम लोग सब के सब मोदी जी के सपोर्टर्स हैं और मोदी जी को ही वोट देंगे। मैम एक शॉर्ट सवाल, फनी सवाल अगर आपको ठीक लगे, अभी दिल्ली का केजरीवाल जेल से बाहर आए जमानत पे और उनका कहना है कि 2 महीने में योगी जी को हटाने वाले हैं, क्या लगता है आपको ऐसा फालतू बात है कि कुछ इसमें सच्चाई है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, यही कहना चाहूंगी। और दूसरी चीज ये है कि केजरीवाल जी की जहाँ तक की बात है तो फ्री की रेवड़ी बांट के और केंद्र की सहायता से ही सरकार चला करके वो अगर ये सोच रहे कि काशी में आ करके एक सीट भी वो निकाल लें तो ये उनके लिए बहुत 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 दूर की बात है। अभी उनको मोदी जी के सामने तो मुझे फिलहाल तो किसी का भी चेहरा दूर दूर तक नजर नहीं आता कि कोई भी ऐसा चेहरा हो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को टक्कर दे सके। लुबना बेगम है, प्रतिनिधित्व में रह चुकी हूँ और क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और मैं समाज सेविका बहुत पहले से ही हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मोदी जी जो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो मेरे बनारस के सांसद, वो हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो हकीकत में जिस तरह से उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने कोई धर्म कोई जात नहीं देखा, उन्होंने धर्म से ऊपर उठ करके हर कार्य को किया है। जो भी योजनाएं दिया, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो चाहे हिंदू महिलाएं हो, और उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं का काफी ध्यान रखा, 33% आरक्षण में छूट दिया, जो कि आज की डेट में महिलाएं आगे भी बढ़ सकती है, विधायकी भी लड़ सकती है, सांसदी भी लड़ सकती है और भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। मैम अगर बात की जाए तो आप कहीं ना कहीं आप समाज में रहती हैं, वरिष्ठ है, आपका एक सम्मान है, ये जो विपक्ष वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भाजपा सरकार जो है ये मुसलमानों को डराती है, आपको क्या लगता है, सही बात है? ये विपक्ष के सामने कोई मुद्दा ही नहीं भाई साहब, अगर आज हमको लोगों को डराती है मोदी सरकार तो क्या हम लोग यहाँ आते हैं? आज मोदी सरकार की वजह से इस 80 घाट पे हम महिलाएं बेखौफ होकर के नकाब ओढ़ करके आते हैं, हर जगह जाते हैं, हर जात को करते हैं, उनके साथ भी चलते हैं। अगर आज को मोदी जी हम लोगों को आरक्षण न देते, आज हम लोगों को डराते होते, तो क्या हम लोग ऐसे खुलेआम रैलियों में जाते? क्या इसी तरह हम लोग शाम तक सर्विस करते, जॉब करने के लिए जाते तो शाम को लौटते? कभी नहीं। यही लालू प्रसाद से जो कहते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है, लेकिन मेरे मोदी जी ऑन द स्पॉट जो भी मामला है अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑन द स्पॉट मामले को खत्म करते हैं। मेरा नाम हुमा बानू है, मैं काशी की रहने वाली हूँ। आज आप लोग 80 घाट पर उपस्थित हुए हैं, क्या कारण? 80 घाट पे हम मुस्लिम महिलाएं वैसे भी घूमने आते हैं, जब से 2014 से हम लोग को फ्री किया गया है तब से हम लोग हमेशा घूमने, बाल बच्चों के साथ हमेशा आते हैं और खुले दिल से घूमते हैं यहाँ पे। मुस्लिम महिलाएं अगर बात की जाए तो आप भी एक मुस्लिम है, आपने जो है नरेंद्र मोदी जी को चुना, आपने जो है भारतीय जनता पार्टी को चुना, बहुत सारी और भी महिलाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है रुख नहीं कर रही है, क्या कारण? ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम महिलाएं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख ला चुकी है, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से जब से आए हैं
और ये ट्रिपल तलाक जैसे कानून को अंत किया है, कानून को बनाया है और कुप्रथा को अंत किया है। इससे ये साबित होता है कि मुस्लिम महिलाओं को जीने का मौका दिया, समान अधिकार दिलाएं और उनके पक्ष में बोला, उनको जीने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहमियत तो ये हम रखते हैं कि पूरा हिंदुस्तान इस बात की तारीफ करेगा कि बिना भेदभाव के उन्हें योजनाओं का लाभ दिया। किसी भी योजना को उठा कर देख लीजिए, खास करके आयुष्मान कार्ड देखिए, घर घर पहुँच रहा है, घर घर लोग पहुंच रहा है। मुस्लिम महिलाएं इस चीज से खुश है, जहाँ रोगों से ग्रसित रहती थी कोई इनको सहारा देने वाला नहीं था, वहाँ 5 लाख का आयुष्मान कार्ड सहारा दे रहा है। शौचालय देख लीजिए महिलाओं की क्या स्थिति थी, गाँव देहात में आपने देखा है। तो कह रही है कि हमारी सरकार बढ़ेगी तो हम 25 लाख रूपए तक का इलाज कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। कहा ना कि आप महिलाओं से पूछ लीजिए, हमेशा से झूठ बोलते आ रहे हैं और दिखावा करते आ रहे हैं, छल करते आ रहे हैं, वो आज भी छल कर रहे हैं और करते रहेंगे। माननीय मोदी जी ने जो किया हम लोग के लिए, वो वादा उनका एकदम खरा उतरा। 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, हम लोग को भागीदारी बढ़ाई, हमारे अधिकारों का समर्थन किया। केंद्र राज्य सरकार की हम सब शुक्र गुजार हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे बनारस के सांसद के साथ साथ 3री बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हम लोग का वादा है, हमारी दुआएं हैं। पुनः मैम एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आप सोशल वर्कर हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, आप पॉलिटिशियन के रूप में भी देखी जाती है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वुमन एम्पावरमेंट की बात होती है, आज भारत देश की महिलाएं सभी जगह अपना पर्सनलिटी ले रहा है। कुछ महिलाएं ऐसी है जो लोक लाज के भाव से अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को छुपा ले जाती है, सामने ला नहीं पाती, क्या कहना चाहेंगे? देखिए समाज सेविका तो मैं 23 सालों से हूँ और पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरा अब आया है, मैं शुरू से ही देख रही हूँ। जो दबी कुचली महिलाएं घर में रहती थी, 14 के पास उनको जो जीने का सहारा या मौका मिला, घर घर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार मिला, वो महिलाएं अब निकल चुकी हैं। अब वो महिला शक्ति वो क्या चाहती थी, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तीनों मुहैया कराया इन्होंने। किसने? केंद्र राज्य सरकार ने, माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने। तो हम क्या, हमें क्या चाहिए? तीनों चीज तो हमें मिल रहा है, हमें आरक्षण भी मिला, हमारी भागीदारी बढ़ी, हमें समान अधिकार मिले, हमें और क्या चाहिए?